क्या इंडिया गठबंधन को मिलेगा बहुजन समाज पार्टी का साथ? सियासी गलियारों में ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लाने की कई कोशिशें की, हर कोशिश नाकाम रही। वहीं बसपा मुखिया मायावती ने कई बार सामने आकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिली जानकारी के अनुसार एक आखिरी मौका बचा हुआ है और ये मौका है आचार संहिता के लगने का। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी की बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से अंदर खाने बातचीत जारी है। ये बातचीत आचार संहिता के बाद गठबंधन को नया बल दे सकती है। सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि वो इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को भी साथ लाना चाहती है, जिससे इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर एनडीए को बड़ी चुनौती दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी पहली सूची में 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं लगभग सबसे पहले प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने अभी अपने पत्ते तक नहीं खोले हैं। बहुजन समाज पार्टी के सूत्रों का कहना है कि बसपा नेतृत्व ने अपने कोऑर्डिनेटरों से टिकट के लिए और आवेदन न लेने के लिए अब कह दिया है। वहीं देश में बने इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस वक्त साथ में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें भी दी हैं, पर पार्टी ने अभी तक एक भी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं सपा ने 3 अलग अलग सूचियां जारी कर 29 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, पर बाकी बची सीटों पर अभी सपा भी सांसें थामे हुए है। इंडिया गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने फिलहाल यूपी में प्रत्याशियों की घोषणा के लिए इंतजार करने के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आचार संहिता लागू होने के बाद एक आखिरी कोशिश बसपा को इस गठबंधन में लाने की जाएगी।